एंटीलॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। दो तीन बेसिक बातें हैं जो कि आपको एंटीलॉक के बारे में पता होना चाहिए। एंटीलॉग एंड लॉग आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है, एंटीलॉग लॉग 8 का अगर हमको एंटीलॉग ज्ञात करना है तो वो 8 होगा। एंटीलॉग ऑफ लॉग 3.45 इक्वल टू 3.45। एंटीलॉग का हमारा ये सेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं, एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आइए अपने पहले सेशन की ओर चलते हैं, एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हम दो प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक हम अपनी इस टेबल की सहायता से विदाउट यूजिंग एंटीलॉग टेबल, और एक हम यूजिंग एंटीलॉग टेबल। सामने हमने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, एंटीलॉग 6.50। तो हमको जो है 6.50 का एंटीलॉग याद करना है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डिजिट बिफोर डेसिमल एंड डिजिट आफ्टर डेसिमल। यदि आप सामने के न्यूमेरिकल में देखें, डिजिट बिफोर डेसिमल 6 है, वह 10 to the power में पहुंच जाएगी। इसको 10 की नोटेशन बोले, नोटेशन में पहुंच जाएगी। आफ्टर डेसिमल 50 को हम बोलेंगे 50। अब हम ये देखेंगे कि हमारा एंटीलॉग 50 कहाँ पर आता है। तो इसके लिए हमने सामने लॉग 3 की वैल्यू और लॉग 4 की वैल्यू रखी है। आपको मालूम है लॉग एंड एंटीलॉग आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पर अगर ये लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 है तो हम कह सकते हैं एंटीलॉग ऑफ 0.4771 इक्वल टू लॉग 3, या फिर एंटीलॉग ऑफ लॉग 3 इक्वल टू 0.4771। यहाँ पर आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है 50, इसको हम 50 पढ़ेंगे। यहाँ पर आफ्टर जो डेसिमल डिजिट है वो है 47, इसको हम 47 पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारी आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है उसको हम 6060 पढ़ेंगे। तो 5050 इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच में कहीं पर होगी। 5050 का जो एंटीलॉग होगा उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में होगी। तो इसको हमने, चूँकि ये 5050 है और ये 4747 है और यहाँ पर 6060 है, तो कहीं ना कहीं 3 के आसपास ही इसकी वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर 3.3 लिख दिया। आप इसको 3.4 भी लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने विदाउट एंटीलॉग टेबल एंटीलॉग ऑफ 6.50 की वैल्यू 3.3 10 to the power 6 ज्ञात कर लिया। आइए एक और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सामने एंटीलॉग ऑफ 4.734, इसका हमको एंटीलॉग ज्ञात करना है। आपको मालूम है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, डिजिट बिफोर डेसिमल जो कि 10 to the power के नोटेशन में चला जाएगा। यहाँ पर डिजिट बिफोर डेसिमल 4 है, इसको हम 10 to the power में नोटिफाई कर देंगे। और डिजिट आफ्टर डेसिमल जो कि 73 है, 73 यहाँ पर लॉग 5 की वैल्यू 69, आप इसको डेसिमल को छोड़ दीजिए एक बार को 69, और यहाँ पर लॉग 6 की वैल्यू 77। तो कहीं ना कहीं हमारा एंटीलॉग ऑफ 73 5 और 6 के बीच में होगा। हमने देखा कि हमारा जो एंटीलॉग 73 होगा वो लॉग 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो हम इसको अपनी इच्छा से 5.4 लिख देते हैं, 5.5 भी लिख सकते हैं आप इसको। इसकी वैल्यू 5.5 10 to the power 4 भी हो सकती है, ज़्यादा कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। देखिए ये हमारी एंटीलॉग टेबल है, लॉग के तरह ही
ये एंटी लॉक टेबल तीन भागों में डिवाइड है। पहला कॉलम जो आप इसमें देख रहे हैं ये मेन होता है, दूसरा कॉलम जो आप 0 से लेकर 9 तक देख रहे हैं ये डिफरेंस का है, और अगला 1 से लेकर 9 तक का जो कॉलम है वो है मीन का। यदि हमें 50 का एंटी लॉग देखना है 0 पर, तो यहाँ पर आप 50 को देखें और उसके आगे 0 पर उसका एंटी लॉग देखें जो कि 3162 आएगा, और उसका मीन, क्योंकि इसमें 50 के आगे कोई और डिजिट नहीं है तो उसका मीन जो है वो 0 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, डेसिमल लगा करके इसको लिख देंगे। अभी बिफोर डेसिमल ऑफ एंटी लॉग 6 है, इसको 10 to the power की नोटेशन में लिखना है। चूँकि हम यहाँ पर विद एंटी लॉग टेबल एंटी लॉग की वैल्यू देख रहे हैं, इसमें हम एक और अपनी तरफ अपनी ओर से जोड़ देंगे। आइए इसको सरल कर लेते हैं, 0.3162 × 10⁻⁷, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3162 × 10⁻⁶। आप देख सकते हैं कि हमारा एंटी लॉग ऑफ 6.50 विद एंटी लॉग टेबल 3.162 × 10⁻⁶ आता है, जबकि विदाउट एंटी लॉग टेबल उसकी वैल्यू 3.3 × 10⁻⁶ आती है। ज़्यादा में कोई डिफरेंस, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और इस प्रकार से आप विदाउट एंटी लॉग टेबल भी एंटी लॉग को ज्ञात कर सकते हैं। विदाउट एंटी लॉग टेबल हमने एंटी लॉग ऑफ 4.734 निकाला था, जो कि 5.8 × 10⁴ आया। आइए इसको एंटी लॉग टेबल से चेक करते हैं। एंटी लॉग टेबल से चेक करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है कि बिफोर डेसिमल जो डिजिट है उसको 10⁻⁶ की नोटेशन में लिखना होगा। यहाँ पर बिफोर डेसिमल जो डिजिट है वो 4 है, उसको 10⁻⁶ की नोटेशन में लिख करके +1 कर देंगे, जबकि आफ्टर डेसिमल जो डिजिट हैं उनके शुरू के 2 डिजिट उसको हम मेन कॉलम में देखेंगे, और उसके बाद जो तीसरा डिजिट है उसको हम डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पर 473 का एंटी लॉग 4 के डिफरेंस पे देखेंगे, जो कि 5546 आया। इसको हम डेसिमल के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं, और अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 0.5561 × 10⁵, 5.5106 × 10⁴। इस प्रकार से एंटी लॉग टेबल की सहायता से हमने एंटी लॉग ऑफ 4.73 ज्ञात किया, जो कि 5.56 आ रहा है, जबकि विदाउट एंटी लॉग टेबल हमने जो 4.734 का एंटी लॉग ज्ञात किया था वो 5.8 × 10⁴ आ रहा है, जो कि दोनों के आपस में बहुत ही समान है। एंटी लॉग के सेकंड सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। फर्स्ट सेशन में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के एंटी लॉग वैल्यूज़ निकालना सीखा, उसको फिर हमने चेक भी किया लॉग टेबल के आधार पर हमने, और विदाउट लॉग टेबल दोनों प्रकार से हमने एंटी लॉग ज्ञात करना सीखा। सेकंड सेशन में सामने आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ -3.52, ये हमको ज्ञात करना है। विदाउट एंटी लॉग टेबल हम इसको ज्ञात करेंगे, तो इस नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को 1 जोड़कर और 1 घटाकर के हम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू में पहले चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर -3.52 को हमने -3 - 0.52 लिख लिया, 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, इस प्रकार -3 - 1 - 4 + 0.48, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव वैल्यू जो है वो 10⁻⁴ नोटेशन में चली गई, 10⁻⁴। अब यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ 0.48, यदि हम यहाँ पर एंटी लॉग देखें, आपको मालूम है लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पर 0.47 है, यहाँ पर 0.48 है।
अगर 0.47 की वैल्यू देखें तो 3 होती है, जबकि 0.60 की वैल्यू देखें तो वह 4 होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा 0.48 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी। तो चूंकि ये है जो वैल्यू है 0.48 0.47 के पास है, तो हम इसको 3 से थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देंगे 3.1 × 10⁻⁴। इस प्रकार हमने विदाउट एंटी लॉग टेबल नेगेटिव इंटीजर वैल्यू का एंटी लॉग ज्ञात कर लिया। आइए एक और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एंटी लॉग ऑफ -2.1202 इसको ज्ञात करना सीखते हैं। इसको इस प्रकार से -2 -0.1202 के रूप में लिख लिया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, माइनस वैल्यू जो है वो माइनस के 3 हो गई। 0.1202 ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस 1 की वैल्यू, इनको सॉल्व करने पर 0.8798 आ गया। माइनस की 3 वैल्यू जो है वो 10 की नोटेशन में चली गई। इस प्रकार से एंटी लॉग ऑफ 0.8798 ये हमको प्राप्त हो गया। 0.87 की वैल्यू कहीं ना कहीं 7 और 8 के बीच में होगी, क्योंकि लॉग 7 की वैल्यू 0.845 और लॉग 8 की वैल्यू 0.903। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है वो लॉग की वैल्यू होगी। तो हमने इसको 7.5 के समथिंग लिख दिया 10⁻³, क्योंकि यहाँ पर ये 0.84 है और यहाँ पर ये 0.87 है। थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दिया। आप इसको 7.4 भी लिख सकते हैं, 7.6 भी लिख सकते हैं। एक लमसम वैल्यू हमको विदाउट एंटी लॉग टेबल यूज़ करने से हमको प्राप्त हो गई है। आइए एक और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम विदाउट एंटी लॉग टेबल एंटी लॉग ज्ञात करना सीखेंगे। एंटी लॉग ऑफ -3.4532 इसको पॉजिटिव इंटीजर बनाने के लिए इस प्रकार से लेकर -3 -0.4532 एक जोड़ दिया एक घटा दिया, ये माइनस की वैल्यू माइनस के 4 में आ गई। इस प्रकार से इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो प्लस में 0.5468 आया। माइनस 4 की वैल्यू 10⁻⁴ नोटेशन में चली गई, 10⁻⁴। 0.5468 ये एंटी लॉग की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। कहीं ना कहीं एंटी लॉग की वैल्यू 0.54 3 और 4 के बीच में होगी, क्योंकि लॉग 3 की वैल्यू 0.47 लॉग 4 की वैल्यू 0.60 तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा होगी 4 से कम होगी। तो हम इसको 3.5 × 10⁻⁴ के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने नेगेटिव इंटीजर वैल्यू के 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। आइए इनको एंटी लॉग टेबल से चेक करते हैं। आइए पहले वाले क्वेश्चन का एंटी लॉग विद एंटी लॉग टेबल ज्ञात करते हैं। इसके लिए सामने आपको आधा प्रोसीजर तो पहले वाला ही यूज़ करना होगा कि नेगेटिव इंटीजर वैल्यू में प्लस 1 माइनस 1 करके उसको एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बनाना होगा। जैसे यहाँ पर -3.52 को हमने -3 -0.52 एक जोड़ दिया एक घटा दिया, माइनस की वैल्यू जो है माइनस के 4 आ गई। इन दोनों को सॉल्व करने पर 0.48 आ गया। इस प्रकार से एंटी लॉग ऑफ 0.48 और ये जो माइनस के 4 वैल्यू है ये 10⁻⁴ नोटेशन में चली जाएगी, 10⁻⁴। अब हमारा ये काम रह गया है कि यहाँ एंटी लॉग ऑफ 0.48 हमको जो है लॉग टेबल से ज्ञात करना है। इसके लिए हमने ये यहाँ पर इस तरीके से एक ग्राफ बना रखा है। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, मेन डिफरेंस और मीन। ये एंटी लॉग टेबल से हमको पता चलेगा। यहाँ पर हमको एंटी लॉग ऑफ 0.48 ज्ञात करना है। तो 48 का जो है 0 पर डिफरेंस देखेंगे, इसको ऐसा करके बोलते हैं, 48 का 0 पर डिफरेंस देखेंगे। जो हमारी एंटी लॉग टेबल होगी उसमें 48 का 0 पर डिफरेंस देखेंगे, जो कि 3020 आया। और मीन देखेंगे 0 पर, चूंकि इसमें आगे को कोई और डिजिट नहीं है तो मीन हमने यहाँ पर 0 ही मान लिया। इन दोनों को जोड़ दिया, 3020 ये वैल्यू हमारी आ गई। इसको डेसिमल के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर डिजिट डेसिमल से पहले 0 डिजिट है, इसलिए 10⁻⁴ नोटेशन में 0+1 कर देते हैं। और इस प्रकार से 0.3020 10⁻⁴ × 10⁻⁴ इसको इस प्रकार से सॉल्व कर दिया, 3.020 10⁻⁴ ये वही वैल्यू है जो हमने विदाउट एंटी लॉग टेबल।
आइए जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था उसको एंटीलॉग टेबल से चेक करते हैं। एंटीलॉग ऑफ माइनस 2.1202, इसको जो है पॉजिटिव इंटीजर में चेंज करने के लिए एक जोड़ दिया एक घटा दिया, माइनस की वैल्यू माइनस की 3, इन दोनों को सॉल्व करने पर 0.8798 आया। जो ये जो माइनस डिजिट है ये 10 to the power नोटेशन में चली जाएगी। अब हमारा आधा क्वेश्चन रह गया है एंटी लॉग ऑफ 0.8798, इसको सॉल्व करना है। इसको हम लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। इसको इस तीन भागों में हमने डिवाइड कर रखा, मेन, डिफरेंस और मीन। इसको ऐसे बोलेंगे, एंटी लॉग टेबल में 87 का डिफरेंस 9 पर देखिए और 8 पर जो है वो मीन देखिए। जब हमने 9 पर डिफरेंस देखा, 87 का 9 पर डिफरेंस देखा, 7568 आया, और मीन जो है 8 पर 14 आया। इन दोनों को जब हमने एडिशन कर दिया 7582, इस प्रकार से इसको यहाँ पर 0.7582 इंटू बिफोर डेसिमल जीरो डिजिट है, 0+1 इंटू 10 to the power -3, इसको सॉल्व कर लिया, 0.7582 10 to the power 1 इंटू 10 to the power -3, 7.582 इंटू 10 to the power -3, ये वही वैल्यू है जो हमने विदाउट एंटी लॉग टेबल ज्ञात की थी। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन को एंटी लॉग टेबल से चेक करते हैं। सामने हमने तीसरा क्वेश्चन लिख रखा है, आधा पार्ट आप इसका जानते हैं किस प्रकार से होगा। इस प्रकार एंटी लॉग ऑफ -3.4532 की जो वैल्यू आई निकल कर पॉजिटिव इंटीजर बनाने पर माइनस के 4 प्लस 0.5468 आई। माइनस की जो डिजिट है वो पावर में चली जाएंगी, 10 to the power -4। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन रह गया एंटी लॉग ऑफ 0.5468, इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेन, डिफरेंस और मीन। इसको इस प्रकार से बोलेंगे, 54 का 6 पर डिफरेंस देखना है एंटी लॉग टेबल में और 8 पर मीन देखना है। अगर हम 54 का डिफरेंस 6 पर देखते हैं तो वो 3516 आता है और मीन 8 आता है, मीन 8 पर 6 आता है। दोनों को एडिशन कर दिया, 3522 आया। इसको यहाँ पर हम डेसिमल के रूप में लिख देंगे और बिफोर डेसिमल 0 है, इसमें 1 जोड़ देंगे इंटू 10 to the power -4, तो 3.522 इंटू 10 to the power -4, ये वही नंबर है जो हमने विदाउट एंटी लॉग टेबल ज्ञात किया था। आई होप डैट आप जो हैं एंटी लॉग निकालना सीख गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।